नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैंने एक बार आपके सामने बाबा आमटे जी का जिक्र किया था। ये बहुत ही बड़े समाज काम करने वाले एक इंसान हैं। इंसान कहना भी उनको मुझे नहीं लगता, ये परमात्मा जैसे ही मुझे लगते हैं, क्योंकि इन्होंने इस दुनिया में आकर ऐसा कुछ किया जो मतलब बहुत कम मतलब 1-2 लाख में से कोई एक इंसान शायद सोच सकता है, वैसे इन्होंने किया। इन्होंने जो कुष्ठ रोगियों के लिए मतलब कोई भी जिनको सहारा नहीं मिलता था या फिर कोई भी समाज उनको अपनाना नहीं चाहता था, ऐसे लोगों को उन्होंने सहारा दिया, उनको अपना भाई बनाया, उनको सब कुछ उनकी मतलब सेवा की, उनको सब कुछ दिया अपने हिसाब से। और एक बहुत ही अच्छे मतलब एक कहते ना कि बहुत ही बड़ा ईश्वर का इन्होंने काम किया। ये जो इंसान थे दोस्तों, एक बार क्या हुआ इनके जीवन में, ऐसा एक वाक्य हुआ था कि इनकी कुछ मतलब बहुत ही बड़ी इनको बीमारी हो गई थी और इस वजह से इनका ऑपरेशन होना बहुत महत्वपूर्ण था। और उस वक्त भारत में ऐसी कंडीशन थी कि भारत में उनका उपचार होना मतलब पॉसिबल नहीं था, इस वजह से उनको लंदन ही जाना पड़ता था। लेकिन इनकी आर्थिक अवस्था इतनी बुरी थी या फिर अपना सब कुछ उन्होंने अपने आश्रम को दान दिया था, इस वजह से इनका खुद का ऐसा कोई भी ऐसे पैसे नहीं थे। तब इनके एक दोस्त ने एक ट्रस्टी नई ओपन किया और उसमें यह कहा गया कि इनको बहुत ही बड़े जो समाज काम करने वाले जो है बाबा आमटे जी, उनको मतलब ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो इस वजह से अगर कोई दान देना चाहे तो दे सकता है। और उस वक्त बहुत ही अच्छे से दोस्तों सिर्फ एक महीने में 1 लाख रुपए का मतलब दान उनके लिए मतलब मिल गया। तो बाबा आमटे जी और उनकी पत्नी उस पैसे से लंदन चले गए दोस्तों, और लंदन जहाँ पर उनका उपचार हुआ और बहुत ही अच्छे से उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, वहाँ के जब डॉक्टरों को पता चला कि ये इतना बड़ा काम करते हैं, भारत में इनका इतना नाम है, इनको मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल गया है, तब उन्होंने दोस्तों 1 रुपया भी इनसे नहीं लिया, उल्टा उन्होंने भी अपने हिसाब से कुछ मदद करने की कोशिश की। ये कहानी मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बहुत बार आपने सुना होगा कि जो दुनिया के लिए जीता है कभी कभी बहुत बड़े बड़े त्याग उसको करने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको अपने लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ना पड़े, फिर भी उसको ईश्वर कहीं ना कहीं से देता है। जिन लोगों के उन्होंने मतलब निस्वार्थ रीति से सेवा की थी, उसी लोगों ने उन्हें मतलब इतना मदद की कि इनको मतलब बाद में ज़रा भी परेशानी नहीं हुई। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें निस्वार्थ रीति से जितना हो सके अच्छा कर्म करने की हमेशा कोशिश करनी होगी। जीवन में इस तरह से जो आगे बढ़ता है वो कभी ना कभी उसका कुछ अच्छा भी हो सकता है। हाँ, मुझे भी पता है कि कभी कभी हम बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि जितना हो सके हमें जीवन में अच्छा कर्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। जिस तरह से इनके भी सामने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई, हाँ हो सकता है कि अच्छे काम में हमारे भी सामने परेशानियाँ आए, लोगों के ताने हमें झेलने पड़े, लेकिन फिर भी हमें चलते रहने की कोशिश करनी होगी, जितना हो सके समाज में अच्छा करने की कोशिश करनी होगी। इतना बड़ा तो हम काम करने वाले मतलब कभी कभी हमें पॉसिबल हो सकता, लेकिन जितना हो सके हमारे हिसाब से जितना हो सकता है उतना भी हम करने की अगर कोशिश करें ना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो भी ये बहुत बड़ी बात हुई दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी, और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।